टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। जैसे कि हमें पता है कि मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ शुरू करता है। हमने भी अपनी एक सिंगल सेल से लाइफ शुरू करी थी। एक सेल दो उनमें डिवाइड हुई थी, दो से चार बनती है, चार से आठ, फिर आठ से सोलह, ऐसे ऐसे एन नंबर ऑफ सेल्स बनती जाती हैं। तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक लाइन पता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ है मतलब सेल का साइज बनेगा, रिप्रोडक्शन मतलब एक से दूसरी सेल बनेगी। वही तो सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल इन सब चीज़ों का एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट होता है, जिसमें जैसे कि सेल सिंथेसिस होता है, सेल का साइज में ग्रो होता है एंड वो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। होता है ये लाइक एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक इतना एरिया है, वो सिर्फ इतने एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर सकता है। पर जैसे जैसे सेल को फूड मिलता रहेगा, उसका क्या होगा, उसका साइज़ बढ़ता रहेगा। अब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक टिश्यू डिस्टर्ब होगा, अब न्यूक्लियस उससे ज़्यादा एरिया पे तो कंट्रोल कर नहीं सकता, तो जो न्यूक्लियस होता है देन सेंड द सिग्नल्स एंड देन वो क्या होता है, ये डिवाइड करता है। ये जो जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं, एंड अगर ये कंट्रोल लूज हो जाता है तो देन कैंसर होता है। ठीक है, तो वही सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, जिनमें जो सेल जो है अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है और देन मतलब अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर रहा है, अपना साइज में ग्रो कर रहा है एंड डिवाइड कर जा रहा है सेल साइकिल मतलब डिवाइड कर जा रहा है डॉटर सेल्स में। ऑल दो सेल डिविजन जो होता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सेल ग्रोथ एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बट डीएनए सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि हमारा यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए 24 घंटे लगते हैं और ईच सेल को डिवाइड करने के लिए 90 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि मतलब उसमें क्या होता है, दो फेजेस होते हैं, एक तो इंटरफेज और एक होती है एम फेज। इंटरफेज जो होती है वो प्रिपरेटरी फेज होती है या फिर रेस्टिंग फेज होती है, और एम फेज क्या होती है, माइटोसिस फेज, मतलब कि वो काम माइटोसिस मतलब कि वहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है। जैसे कि हमारा प्रिपरेटरी फेज़ क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेटरी फेज़ कितना होता है, प्रिपरेटरी फेज़ हमेशा ज़्यादा होता है, लाइक हमें एक साल मिलता है, दो साल मिलते हैं, तीन साल, वट एवर। और जो हमारे जो बट जो मेन काम होता है वो तो उन तीन घंटों में होता है। इस वजह से जो इंटरफेज जो होता है ना, वो 95% टाइम को वो ऑक्यूपाई करता है, 95% टाइम उसके पास जाएगा, बाकी का जो बचा कुचा टाइम होगा लाइक 24 घंटे में से 23 घंटे इंटरफेज होगा एंड बाकी 1 घंटे एक्चुअल एम फेज चलेगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इंटरफेज में भी G1, S एंड G2 फेज। अब एम फेज में क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस होगा एंड देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं G1 फेज, S एंड G2 फेज। अब एक चीज़ जो एक मेन जो चीज़ आती है वो ये होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉन्स्टेंट रहते हैं। लाइक इसमें जो थे 46 क्रोमोसोम थे, तो उसमें भी जाके 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। ठीक है, G1 के बाद G2 में जाएंगे जब हम, तो 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बट बस कंटेंट में डबल होती है। लाइक उसमें अगर एक वो है, एक धागा है, तो उससे अटैच होकर एक और धागा, मतलब पूरा कंटेंट डबल हो सकता है बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो बाद में भी 2n क्रोमोसोम रहेंगे, और 2c उसका कंटेंट है तो वो जाके कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। ठीक है, जो G1 फेज, इस लाइन पे भी क्वेश्चन आता है कि एक इंटरवल होता है माइटोसिस के बीच में और डायरेक्ट एस फेज ना देखे, वो हमसे बोलता है इनिशिएशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। जीवन फेज के दौरान जो सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती है, बट अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होती करती है। और फिर उसके बाद आती है हमारे पास एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस और जो मेनली जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो होता है। ठीक है, और एनिमल्स में एस फेज में क्या होता है कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन तो अंदर न्यूक्लियस का चल रहा है, सेंट्रोइल का भी वो होता है, सेंट्रोइल का भी डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में।
इस वजह से हमारा जो होता है ना एनिमल्स का, वो कैसा होता है, सेल डिवीजन एस्ट्रल होता है, एस्ट्रल एस्ट्रल एस्टर का फॉर्मेशन एंड एस्ट्रल, एंड एस्ट्रल किस में होता है, प्लांट्स में होता है, मतलब वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है बिकॉज उनके पास सेंट्रल्स नहीं है, एस्टर नहीं बनेंगे। अभी जब हम साइटोगेनेसिस पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन तब करेंगे, ठीक है। जी टू फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, बिकॉज अब क्या है, अब मेनली वो होना है हमारा सेल डिवीजन होता है, तो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं डिवीजन के लिए, और सेल ग्रोथ इसमें भी कॉन्टिन्यू रहती है। अब क्या होता है, कुछ सेल्स जो होती हैं वो हमारी डिवाइड ही नहीं करती, और कुछ सेल्स जो होते हैं ओकेजनली डिवाइड करती है जब रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जैसे हमारी हर्ट सेल वो डिवाइड ही नहीं करेगी, और भी बहुत सारी सेल हैं कि मतलब उनको क्या, उनको स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक नीड होगी तब जाके वो डिवाइड करेंगे, तो क्या कर जाती है वो एक क्वेश्चन फेज एंटर कर जाती है, मतलब वो एग्जिट कर जाती हैं जीवन फेज को, एंड वो क्वेश्चन फेज दैट इज जीनोट फेज में एंटर कर जाती है। यहाँ पे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती है बट प्रोलिफरेट नहीं करती हैं। एनिमल्स में क्या होता है, हमें माइटोटिक डिवीजन जो होता है हमारे डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। सोमैटिक सेल्स जो हमारी नॉर्मल सेल्स है, दो टाइप की सेल होती हैं, एक सोमैटिक सेल्स होती हैं, एक जर्म सेल्स होती है। जर्म सेल्स जैसे कि हमारी एग ऑफ ओवा, और सोमैटिक सेल्स जो हमारी सारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब क्या होता है, माइटोसिस एक तो हमारी सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलेगा, एक हमारे जर्म सेल्स जब अपना मतलब नंबर को मल्टीप्लाई कर रही होती है तब देखने को मिलता है, और जर्म सेल्स में ऑब्वियसली मियोसिस होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम एम फेज। एम फेज क्या होता है, सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक फेज है बिकॉज सारे कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता रहता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि एक मतलब जैसे 46 है तो नेक्स्ट में 46 ही जाएंगे, और 46 ही जाएंगे। इसमें क्या होता है कि इसके जितने भी फेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कोई क्लियर कट बाउंड्री हम नहीं बना सकते हैं। इसके जो मैंने ट्रिक से याद किया था, दैट इज़ बार बार रिवीजन करने पे याद हो जाती है कि कौन कौन सी स्टेज कब है, बट फर्स्ट टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो PMAT उसकी फुल फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर एट तेलंगाना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्रोफेज। प्रोफेज क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट स्पेज, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है प्रोफेज। प्रोफेज में मेनली दो इवेंट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, इसकी जो प्रोफेज होती है इज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ दी, सबसे पहले क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, अब उनके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे अटैच्ड होते हैं बाय द सेंट्रोमीर। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे जो सेंट्रोसोम जो हमारा इंटरफेस में डुप्लीकेशन करे थे, अब वो क्या करते हैं, वो अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं और वो वहाँ पे जाके एस्टर बनाते हैं। अब ये जो एस्टर जो होते हैं ना विद द स्पिंडल फाइबर्स, ये क्या बनाते हैं, माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सेल को अगर मैं एंड ऑफ द प्रोफेज पे देखती हूँ ना, तो वहाँ पे गॉल्जी बॉडी भी नहीं दिखता, ER भी नहीं दिखता, न्यूक्लियस भी नहीं दिखता, एंड न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं दिखता है। अब आते हैं हमारे पास सेकेंड फेज, दैट इज़ मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन जो होता है क्रोमोसोम का जो होता है वो इसमें जाके कंप्लीटेड होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई भी देखना है अपना क्रोमोसोम तो मैं मेटाफेज को ही प्रेफर करती हूँ, ठीक है। और इसकी मतलब मैं इसकी स्टार्टिंग कैसे मार्क कर सकती हूँ, जब जो न्यूक्लियर एनवलप है ना ये जब डिसइंटीग्रेट होने लगता है, तो ये इस चीज़ की स्टार्टिंग को बताता है, ठीक है। आज यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है ना, तो मैं इसी फेज़ पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ती हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे वही क्रोमोसोम है, जैसे हमने अभी सेल साइकिल वाले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वो जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड वो किस चीज़ से अटैच्ड होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं सेंट्रोसोम से, ठीक है। और उनके आसपास क्या होता है, उनके आसपास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो बने थे ना, मतलब जो एस्टर फॉर्मेशन हुआ था, ये क्या कहते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये काइनेटोकोर से जाके अटैच होते हैं और क्या करते हैं, इनको एक साइड से, तो एक वाले एस्टर ने कर रखा है इसको अटैच और दूसरी साइड से दूसरे वाले, तो एक ये लाइन से बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं। इसके बाद होती है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज जो होती है सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है। हमेशा याद रखना, माइटोसिस में
हमेशा सिस्टर क्रोमैटिड मूव करेंगे। जैसे कि अब हम इनको देख लो, अब यहाँ पे क्या है, ये एक ही तो सिस्टर क्रोमैटिड मूव करेगी ऑब्वियसली, बट मियोसिस वन जो होता है उसमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, ठीक है। अब क्या होंगे, ये जो अटैचमेंट थे, अब ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स के टूवर्ड्स, अपोजिट पोल्स के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है कि जो सेंट्रोमियर जो होता है ना हर एक क्रोमोसोम का, वो क्या करता है, डायरेक्टेड वो पोल की तरफ डायरेक्टेड रहता है इस वजह से, और जो उसके जो आर्म्स होती हैं आर ट्रेलिंग बैंड, मतलब वो उसके पीछे रहती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो दोनों अपने अपने फाइनली जो हर एक क्रोमोसोम था अपना फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे अपने डिकंडेंस कर जाता है और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर देते हैं। अब मैं इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं देख पाऊँगी, ठीक है। अब क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप बनना स्टार्ट हो जाएगा उनके अराउंड, और न्यूक्लियस गॉल्जी बॉडी एंड ईआर दोबारा बनने स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। हमेशा याद रखना कि एनिमल में क्या है, बाहर से अंदर होगा, और प्लांट सेल में क्या होगा, हमेशा अंदर से बाहर होगा, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, एक फरो बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड ये जो बाहर से अंदर, ये जो फरो जो होता है ना ग्रेजुअली डीप 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 चला जाता है, एंड देन वो फाइनली क्या कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है, क्योंकि फरो बाहर से बन रहा है। अब फरो बाहर से बनेगा, ग्रेजुअली उन दोनों को क्या कर देगा, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब प्लांट में बाहर से अंदर क्यों नहीं होता, प्लांट में बाहर से अंदर इस वजह से नहीं होता क्योंकि उनमें क्या देखने को मिलती है, उनमें हमें सेल वॉल देखने को मिलती है, इस वजह से उनका एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। उससे पहले वो क्या बनाते हैं, एक प्रिकर्सर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं, जो मिडिल लैमेले को रिप्रेजेंट करता है, दो एड्रेसेंट सेल के बीच की वॉल को, ठीक है। साइटो प्लाज्मिक मतलब इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होता है कि अंदर से लेके बाहर तक सेल प्लेट बनेगी, एंड देन फाइनल डिविजन हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक डिविजन में क्या होगा, ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वो क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। लाइक कोकोनट का जो पानी होता है उसको हम सिंशाइटियम, मतलब कोकोनट वाटर क्या होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस और इक्वेशनल डिविजन क्या होता है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है टू द डिप्लॉयड सेल्स। हाउएवर कुछ लोअर प्लांट्स में कुछ इंसेक्ट जो होता है ना, हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करती है, इस वजह से एसेंशियल हो जाता है हमारे लिए उसके सिग्निफिकेंस को पढ़ना। जैसे कि हमें कुछ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड इंसेक्ट, हैप्लॉइड इंसेक्ट्स का तो हमें पता है, उसका जो एग्जाम्पल होता है दैट आर ड्रोन्स, वो माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं। अब माइटोसिस जो होता है रिजल्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल बनेगी, और उसका क्या होगा, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। जैसे हमारी जो ग्रोथ है हमारी सिर्फ जर्म सेल्स में ही तो मियोसिस हो रहा है, बाकी सब जगह तो हमारा माइटोसिस हो रहा है ना, तो हमारा जो ग्रोथ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो भी माइटोसिस की वजह से ही होता है। अब सेल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से उसको रिस्टोर करने के लिए जो सेल जो होती है ना वो क्या करती है, वो डिवाइड करती है, और सेल की रिपेयरिंग के लिए भी माइटोसिस जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो सेल जो होती है, जैसे हमारी अपर एपिडर्मिस की, हमारी गट की लाइनिंग की, और जो ब्लड सेल जो होती है कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती है, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क होता रहता है। और ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है, मेरिस्टोमेटिक टिश्यू, एपिकल और लेटरल कैम्बियम के, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस डिविजन चल रहा होता है। तो ये है, ये सभी क्या हो जाता है, उसका सिग्निफिकेंस हो जाता है माइटोसिस का।